गुड मॉर्निंग, डे 4 पार्ट 4। और आज के दिन की शुरुआत सुबह के सनराइज जोन शॉट के साथ करते हैं। सो आपके लिए हिमालयस के सनराइज जोन शॉट्स। पहाड़ों में व्यूज के साथ ब्रेकफास्ट करने का अलग ही मजा है। बट यहाँ एक ही चीज़ मिलता है, आलू पराठा। तो चार दिन आलू पराठा खाना पड़ेगा अभी ब्रेकफास्ट में। बट कोई नहीं, इसका भी अलग ही मज़ा है। चलो ब्रेकफास्ट। अभी हम लोग लंबगत चेक पोस्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो ई पास बनाते हैं उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए, उसको चेक करेंगे। मतलब यहाँ आने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। काफ़ी अच्छा साइन से कि चेक होना चाहिए, बायोमेट्रिक होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे, कितने लोग आ रहे हैं, पता नहीं चलता। 2013 का जो मेजर इंसिडेंट हुआ था उसका रीज़न यही था कि कोई बायोमेट्रिक नहीं था, कोई पीपल लोगों का डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं था कितने लोग आए थे, कितने लोग नहीं थे। सो दिस इज़ वेरी गुड स्टेप। ये कोरोना के लिए कर रहे हैं, बट दिस शुड बी परमानेंट। आप लोग का क्या ख्याल है इसमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। रवि भी गूगल मैप बता रहा है कि ऑलमोस्ट एक घंटा लगेगा यहाँ से जोशीमठ पहुँचने में। अभी टाइम हो चुका है 1:30। सो देखते हैं, 2:30 बजे तक पहुँचने चाहिए। रोड की कंडीशन बहुत वर्स्ट है, लेकिन जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। अभी जस्ट मैं हनुमान चट्टी पहुंचा है। पीछे मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं वो बताता हूँ आपको। क्या हुआ था, द्वापर युग में द्रौपदी जी ने भीम को वन से फूल लाने को कहा था। तो अलकनंदी के रास्ते से भीम ने एक लक्ष्मी वन यहाँ पे, वहाँ से फूल लाने के लिए गए थे। तो रास्ते में हनुमान जी सोए हुए थे अपनी पूँछ के साथ। तो उन्होंने, भीम ने हनुमान जी से बिना पूछे हुए उनकी पूँछ हटा दी। तो उसमें से हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए और भीम ने अपनी कितनी भी ताकत लगाई तो पूँछ हटा नहीं पाए। तो उसके बाद भीम जी ने उनसे माफ़ी मांगी और फिर हनुमान जी ने अपनी पूँछ हटाई, फिर
आगे भीम गए थे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कभी किसी का अपमान ना करे, कभी कोई अहम ना रखे। इस मंदिर, ये मंदिर बद्रीनाथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। सब लोग यहाँ पहले हनुमान जी का दर्शन लेते फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। जस्ट हैड ए क्विक शावर, 3 दिनों बाद नहाने का कुछ अलग ही मज़ा है। अभी जस्ट 1 घंटे पहले पहुँचे बद्रीनाथ, होटल में चेक इन किया और अभी टाइम हो चुका है 4:30 और अभी हम लोग निकल चुके मंदिर के दर्शन के लिए। सो चलो बद्री जी का दर्शन लिया जाए। अभी जस्ट बद्री विशाल जी के दर्शन करके आया मैं। हम लोग ऑलमोस्ट 5 मिनट खड़े थे वहाँ पे। ज़िंदगी में इससे अच्छा दर्शन कभी हो भी पाएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे जनरली बहुत भीड़ होती है। आज भी है लेकिन 100-200 लोग हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा दर्शन हुआ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये अलग मंदिर ही बारे, इसी के सामने है अपना बद्री विशाल का टेम्पल। वो जो सामने मेरे मैं दिखा रहा ना, वो है तप्त गंगा, वहाँ पे लोग नहाते हैं। लेकिन अभी के सिचुएशन में आई विल नॉट रिकमेंड टू गो देयर, बहुत भीड़ भी है वहाँ पे। बाकी ये पूरा मंदिर का 360 व्यू था आपके लिए। मेरे पीछे मंदिर है। अभी जस्ट कुछ मिनट बाद आरती शुरू हो जाएगी। आरती अटेंड करने का बहुत ज़्यादा मन है क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सो आरती अटेंड करते हैं अभी से। बड़ा अच्छा लगा बद्रीनाथ जी की आरती अटेंड करके। उसके बाद पास में यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, वहाँ पे मोदी जी थाली थी। थाली में था कुछ नहीं, खिचड़ी और कढ़ी थी, लेकिन काफ़ी अच्छा था, पेट भर गया। तो चलो आज का डे 4 पार्ट 4 यही ख़त्म करते। बड़ा अच्छा लग रहा है आज बद्रीनाथ का दर्शन करके। सो कल फिर मिलते हैं, कल का प्लान कल सुबह ही बताऊंगा। सो टिल देन गुड नाइट फ्रॉम सेलर, स्टे सेफ।